हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। दोस्तों, आप सबको ये पता ही है कि काफ़ी दिनों से भारत लॉकडाउन चल रहा है और कोविड-19 की वजह से, और ये बीमारी फैलती जा रही है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने काफ़ी लंबे समय से भारत को बंद रखा हुआ है, जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है काम से लेके। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, कि ट्रांसपोर्ट विभाग में सबसे बड़े क्राइसिस इसमें देखे जा रहे हैं। क्राइसिस इसलिए देखे जा रहे हैं कि कोई काम ही नहीं है, कोई लोड नहीं है, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। और टूर एंड ट्रैवल में भी ये देखा जा रहा है कि कहीं काम ही नहीं है, लोग घरों पे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऐसे में ये पॉइंट आता है कि जो हमने इंश्योरेंस दिया वो पूरा साल का इंश्योरेंस है, और पूरे साल के इंश्योरेंस में जैसा कि देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीने से तो गाड़ियां चल ही नहीं रही हैं। तो 2 महीने से गाड़ियां चल नहीं रही हैं, उसका पैसा गवर्नमेंट को दिया जा चुका है, इंश्योरेंस कंपनी ने उस पैसे को लिया हुआ है। तो उस पैसे को जो उन्होंने 2 महीने में एक्स्ट्रा गया हुआ है, जिसमें गाड़ी चली ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई रिस्क कवर तो होता नहीं है, केवल आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, खड़ी है कोई एक्सीडेंटल या कोई हैपनिंग से, तो कोई गाड़ी का डैमेज होगा नहीं। तो इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, जिनकी गाड़ियां हैं, मेनली यही है कि उनको बहुत ज़्यादा इसमें लॉस है। अब लॉस इन द सेंस हम कह सकते हैं, पैसा तो उनको जा रखा है, अब लॉस पूरा का पूरा ऑपरेटर के ऊपर है, जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर है। अब ये नियम होना चाहिए कि जो गाड़ियां पिछले टाइम से खड़ी हैं, उन गाड़ियों का जो इंश्योरेंस 2 महीने का गया हुआ है, या उस पैसे को वो नेक्स्ट इंश्योरेंस में एडजस्ट करें। प्लस और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि लॉकडाउन में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों के काम नहीं हुए हैं, और कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस बहुत मोटी रकम में जाता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो मंथली एक ईएमआई के तौर पे चार्ज करें, जिससे कि जो ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर भी इस चीज़ का बर्डन ना आए। अब दोस्तों, बात करते हैं ये नए मुद्दे की, जो कि आपको पता है लास्ट 2 डेज पहले ही, कुछ दिन पहले ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया कि 20 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दिए जाएंगे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा असाइनमेंट देखा गया, 5 इंस्टॉलमेंट में, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने सारी डिटेल्स बताई कि 20 लाख करोड़ रुपये किस किस सेक्टर में जाएगा और कितना कितना जाएगा। अब जो 20 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं वो उन्होंने बता दिए कि इसके सेक्टर में कितने हज़ार करोड़, कितने करोड़ लाख, जो भी है गवर्नमेंट देगी। लेकिन पूरी की पूरी जो 5 इंस्टॉलमेंट पे इन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा प्रेस के सामने, उसमें कभी कहीं भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली, जो ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े हुए हैं लोग, उस उद्योग में इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट की है, उस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है। मैंने इनकी सारी चीज़ें देखी, उसमें कहीं भी कोई भी रियायत ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कोई रियायत नहीं है, ना ही मालिकों को है, ना ही जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको है। तो अब ये देखा जाएगा कि आगे क्या होता है लॉकडाउन में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उद्योग जगत में इन्होंने कोई भी छूट नहीं दिए कुछ ऐसा कि जिससे उनको कुछ रियायतें मिल सकें, और काफ़ी उद्योगों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उनको उठाने के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ पैसा दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यही रिपोर्ट है कि ट्रांसपोर्ट उद्योग में कोई भी इनकी अभी खास कह सकते हैं कि सपोर्ट के लिए पैसा नहीं दिया है, कि जिससे ट्रांसपोर्ट उद्योग भी ऊपर जा सके।
तो मिलते हैं दोस्तों दूसरी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।